हाय गाइस, बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम्स रिपोर्ट, ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसको आरबीआई ने निकाला है। और ये ऐसी रिपोर्ट है जिसने आते ही पूरे इंडिया की हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स में धूमधाम मचा दी है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो आरबीआई ने कभी पहले नहीं कही, और ये एक बहुत एक रोबस्ट स्ट्रक्चर बता रही है जो हमारे इंडिया में है अबाउट पेमेंट सिस्टम्स। आइए एक जरा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि पेमेंट सिस्टम्स के बारे में क्या होता है और इसमें आरबीआई ने क्या रिपोर्ट निकाली है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आखिर है क्या। तो दोस्तों, ये एक रिपोर्ट है जो आरबीआई ने निकाली है। मोर ओवर, ये बताती है, कंपेयर करती है रादर, कि हमारे इंडिया में पेमेंट इकोसिस्टम कैसा है विजावी 21 कंट्रीज अब्रॉड, वहां पे पेमेंट इकोसिस्टम कैसा है। पेमेंट इकोसिस्टम मतलब सर, पेमेंट इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि बैंकिंग ऑफ द बैंकिंग चैनल, मतलब बैंक के रूट से बैंकिंग ना करना, उसको कहते हैं पेमेंट इकोसिस्टम। मतलब इसका मतलब कि बैंकिंग चैनल्स के अलावा जो भी व्हाइट चैनल्स हैं, जैसे पेमेंट बैंक्स, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पेटीएम, या फिर पेमेंट वॉलेट्स जैसे कोई आपका अमेज़न मनी, सो इन सब चीजों को हम मिला के कहते हैं पेमेंट इकोसिस्टम, या फिर एटीएम्स, ये भी इसके अंदर कवर्ड हो जाते हैं। सो इंडिया में ये सिस्टम कैसा है विजावी 21 कंट्रीज अब्रॉड, ये सिस्टम कैसा है। इसमें पूरी की पूरी ब्रिक्स कंट्रीज को काउंट किया गया है और उनके भी कंपैरिजन में हमें देखा जाएगा। साथ ही साथ बिल्कुल जो हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, इन्हें भी कंसिडर किया है। सिंगापुर जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है, उसे भी कंसिडर किया है। और आइए देखते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा था क्या। अगर आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस फॉलो करते हैं, या फिर आप कोई भी करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो या न्यूज़पेपर्स ही फॉलो कर रहे हो, तो आपको आइडिया होगा कि 4 अप्रैल 2019 को आरबीआई ने अपनी फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी निकाली थी फॉर 19-20। वहां पे एक बहुत स्पेसिफिकली आरबीआई ने पहली बार ऐसी एक बात रखी थी कि हमें बेंचमार्किंग की जरूरत है। बेंचमार्किंग मतलब हमें ये रिकॉर्ड करने की जरूरत है कि अभी इंडिया कहाँ खड़ा है और बाकी देश कहाँ खड़े हैं। सो बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम इज नेसेसरी टू गॉज इंडियाज प्रोग्रेस विजावी पेमेंट सिस्टम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन मेजर कंट्रीज। सो अगर मैं आपसे को बताऊं, या आप मेरे से पूछें कि 2 लाइन में पूरी की पूरी रिपोर्ट का क्या सार है, सो इसकी समरी ये है कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी लॉज हैं और एक रैपिड ग्रोथ दिखी हमें, रैपिड। ये तो बात मैं भी एग्री करूंगा कि अगर आप देखें, आज से 5 साल पहले पेमेंट इकोसिस्टम इतना हमें नहीं देखने को मिला था, लेकिन अभी जो रैपिड ग्रोथ हुई है पेमेंट स्ट्रक्चर्स में, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया लेस कैश सोसाइटी। बट लेकिन हम बात करें, अभी भी ह्यूज ह्यूज माइल्स टू गो बिफोर वी कैन सेटिस्फाई आवरसेल्फ्स कि हाँ, हम बहुत एक लीडर बन चुके हैं इन पेमेंट स्ट्रक्चर्स। सो आइए दोस्तों, ये था एक बहुत एक ब्रॉड समरी। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको लेके जाता हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो 71 पेजेस की रिपोर्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये 5 पॉइंट्स भी याद रख लें, ये 4 पॉइंट तो भी मोर देन इनफ होगा। सबसे पहली बात, इस रिपोर्ट में अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई थी। ये मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको वो पूरी 71 पेजेस की रिपोर्ट ना देखनी पड़े, इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आप आई होप ये वीडियोस को यूज में ले रहे होंगे एंड ये वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगी, या आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। सो इस वीडियो ने, इस रिपोर्ट ने एक कहा लीडर का टैग, एक कहा स्ट्रॉन्ग का टैग, एक कहा सब्सटेंशियल ग्रोथ का टैग, और इसमें इंडिया की अलग 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 कैटेगरी वाइज इंडिया को बताया गया कि इंडिया इस चीज में लीडर है, या इस चीज में स्ट्रॉन्ग है, या इस चीज में सब्सटेंशियल ग्रोथ है। सो लीडर को कहा गया कि ये है रेगुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, नंबर ऑफ डेबिट कार्ड इशूड एंड एटीएम्स। ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज जब से जनधन योजना आई थी,
तब से जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स में डेबिट कार्ड सबको इशू किए गए थे। जी हाँ, तो इस चीज में मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया को लीडर बनना चाहिए, एंड यस हेयर वी आर। मोर ओवर, अगर हम बात करें रेगुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, आई कंप्लीटली एग्री विद आरबीआई। अगर आप देखें जो हमारे पेमेंट सिस्टम्स जिस कॉस्ट पे ऑपरेट करते हैं, जैसे पेटीएम या कोई भी आपका पेमेंट सिस्टम हो गया, वो जिस कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू, अगर आप देखें कि कोई यूएस का अगर पेमेंट सिस्टम है, आपको दिख जाएगा कि पेटीएम शायद 50% ऑफ द यूएस की कॉस्ट पे कर रहा हो काम, या हो सकता है उससे भी कम पे। इंडिया इज अगेन अ लीडर इन दीज थिंग्स। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इस पे एक बहुत बड़ी डिस्कशन हुई है और एक डेलिब्रेशन हुई है। यहाँ पे हमने कहा है कि हमें एक लीडर है, लेकिन बाद में कुछ और मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत मजा आने वाला है। मोरओवर, हम बात करें कि इंडिया स्ट्रांग है। स्ट्रांग, देखिए आरबीआई ने कितना केयरफुली वर्ड्स को यूज किया है। इंडिया स्ट्रांग है इन एरियाज लाइक नेसेसरी लॉज, यानी रेगुलेटरी लॉज, एंड कैश इन सर्कुलेशन पर कैपिटा। देखिए नेसेसरी लॉज सारी कंट्रीज के पास है, लेकिन बात होती है उन्हें एनफोर्स करने की। सो इंडिया इज येस स्ट्रॉन्ग, विच इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल फैक्टर, जो अगेन मैं आरबीआई से एग्री करूंगा। फिर हम बात करें, एक नया वर्ड आता है, दिस हैज बीन अ सब्सटैंशियल ग्रोथ इन ई पेमेंट्स। ये तो मैंने आपको बताया ही, जो पिछले 5 साल में एक सब्सटैंशियल ग्रोथ हुई है, ये मेरा एविडेंस यहां से मेरी स्टेटमेंट का आपको मिल जाएगा। मोर ओवर, आरबीआई ने फर्स्ट टाइम एक वर्ड डिफाइन किया है, ई मनी शेयर, जो ये पहुंच गया है 21.5%। यानी ई मनी शेयर को हम ब्रॉडली कंसिडर करें तो वॉलेट्स, जो भी पेमेंट वॉलेट्स हैं या फिर जो पेमेंट बैंक्स हैं, उन्हें ही एक ई मनी शेयर का दर्जा दिया गया है, और वो पहुंच गया 21.5% ऑफ द एंटायर 100%। तो अगर ये 21.5% है, तो मैं कह सकता हूं इंडिया अभी कैशलेस सोसाइटी नहीं है, लेकिन हाँ, इंडिया एज कंपेयर टू 20 ईयर्स बैक एक लेस कैश सोसाइटी है। जी हाँ, और आगे आने वाले सालों में इंडिया और लेस कैश सोसाइटी रहेगा, लेकिन अभी कैशलेस सोसाइटी बनने में इसको काफी लंबा टाइम अभी लगने वाला है। ये एक चीज है जिसमें काफी डिबेट हुई है पूरे न्यूज आर्टिकल्स में। ये बात करता है डीमोनेटाइजेशन की। आरबीआई ने फर्स्ट टाइम अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा है कि डीमोनेटाइजेशन प्रमोटेड द यूज ऑफ चेक्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। जैसा कि आरबीआई की रिपोर्ट आई थी कि 99.9% कैश रिटर्न हो गया था, तो आरबीआई ने कोई ओपिनियन नहीं दी थी कि डीमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल था या फेलियर था। इस बार बट आरबीआई ने कहा है कि डीमोनेटाइजेशन से चेक्स और डिजिटल पेमेंट्स प्रमोट हुए हैं। जी हाँ, मैं आरबीआई से एग्री करता हूँ। मोर ओवर, ये जो डिजिटल पुश था, ये सस्टेन्ड इन 2017, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि डिजिटल की डिमोनेटाइजेशन से सिर्फ इमीडिएट उन 1 महीने के लिए कुछ असर पड़ा हो, लेकिन अगले पूरे साल ये असर कहीं ना कहीं तक रहा है। अब अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इंडिया हैज वन ऑफ द लोवेस्ट रेशियोज ऑफ एटीएम कैश विड्रॉल रिलेटिव टू कैश इन सर्कुलेशन। देखिए, यहां मैं आपसे कह रहा था कि इंडिया इज ए लीडर इन इशूड एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और यहां हम बात कर रहे हैं कि इंडिया हैज वन ऑफ द लोवेस्ट एटीएम कैश विड्रॉल रिलेटिव टू कैश इन सर्कुलेशन रेशियो। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे एटीएम्स हैं, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि एटीएम से कोई कैश निकाल ही नहीं रहा। एज कंपेयर टू, अगर आप देखें कि यूएस में अगर मान लीजिए 100 में से 80 लोग एटीएम से कैश 1 महीने में निकाल ही लेते हैं, तो इंडिया में आप मान लीजिए कि 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10 लोग 1 महीने में एटीएम से कैश निकालते होंगे। वो बात अलग है, वो बैंकिंग चैनल्स यूज करते हो, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, या बैंक से जाके विड्रॉल करते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस रिपोर्ट में एटीएम्स की। सो जैसे जो अभी गवर्नमेंट की ड्राइव थी कि शायद हम एटीएम्स बंद कर दें, आई थिंक दैट ड्राइव कैन बी सपोर्टेड बाय अस, कि अगर एटीएम से कैश विड्रॉल हमें इतना कम दिख रहा है, तो हमें एटीएम बंद करना फीजिबल एक ऑप्शन लगती है। दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोर ओवर, मैं बात करूं कि 2019 में 597 एटीएम्स लेस भी हुए हैं।
ये मैं आपका ओपिनियन मानता हूं कि आप ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में कि क्या हमें एटीएम्स को बहुत रैपिडली कम कर देना चाहिए, कि क्योंकि इंडिया में वन ऑफ द लोएस्ट रेशियोज ऑफ एटीएम कैश विड्रॉल्स है रिलेटेड टू द कैश इन सर्कुलेशन। जितना कैश सर्कुलेशन में है उतना जो हम विड्रॉल करते हैं वो बहुत एक लोएस्ट रेशियो है, और मोर ओवर 600 एटीएम्स लेस भी हुए हैं, लेकिन स्टिल इंडिया एक लीडर है अमंगस्ट द ग्लोबल लीडिंग इकोनॉमीज। तो आपका क्या ओपिनियन है कि क्या हमें एटीएम्स अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है उससे बिल्कुल 50% कर देना चाहिए, और 50% नहीं तो क्या हमें सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज में एटीएम्स छोड़ देने चाहिए, कि बिकॉज अर्बन एरियाज में तो हम ज्यादा से ज्यादा ई बैंकिंग चैनल्स यूज कर रहे हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। सो क्या जो प्रायोरिटी एरियाज हैं जो हम देखते हैं बिल्कुल जो हॉटस्पॉट अर्बनाइज एरियाज हैं, क्या हमें वहां एटीएम बंद कर देना चाहिए? एक एनालिसिस करके दीजिएगा, 100 वर्ड्स में लिखिएगा, बहुत मजा आएगा, सब उसको रिव्यू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि डीमोनेटाइजेशन जो इम्प्लीमेंट हुआ था इन इंडिया ऑन 8 नवंबर 2016, जो आपको सबको याद हो ही गई होगी ये डेट, तो इसने पुश किया है ओवर चेक्स एंड डिजिटल पेमेंट्स, ये वही है जो भी हमने बात करी है दोस्तों। फिर ये रही ये रिपोर्ट जो आपके सामने है, अगर आप देखना चाहें आरबीआई की साइट पे अवेलेबल है, आप इसको जरूर रेफर कीजिए और आपके काफी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी कंसेप्ट्स खुलेंगे। सो दोस्तों मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बिल्कुल वो जानकारी दूं जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो, क्रिस्प हो, आपको याद रह सके और बिल्कुल जिसपे क्वेश्चंस बन सकते हो। अदरवाइज तो 71 पेजेस की रिपोर्ट है, अगर आप देखें कि कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो रहे हैं तो उसमें से एग्जाम का क्वेश्चन बनने की चांसेस थोड़े से कम है। अदरवाइज आप देखना चाहें तो रिपोर्ट पूरी देख लीजिए, 71 पेजेस की है, अराउंड आप 3 to 4 आवर्स में हो सकता है पूरा पढ़ ले, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, पर इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स आपके काफी खुलेंगे। तो दोस्तों हमने बात करी कि जो है बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम्स रिपोर्ट, ये आरबीआई निकालता है। आई थिंक अगर आप एसएससी या आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट 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 प्रोबेबिलिटी तो इसकी यही होगी कि यही पूछ लें कि बेंचमार्किंग सिस्टम्स रिपोर्ट क्या है, हो सकता है दे दें कि ये क्या है, हो सकता है दे दें इसे कौन निकालता है, हो सकता है दे दें कि किस गवर्नर के रूल में इसको निकाली गई थी, ये भी हो सकता है पूछ लें कि ये कोर्स का कौन सा एडिशन है। अदरवाइज अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करेंगे तो इसमें ज्यादा डीप मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जाएगा, यही क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, या फिर वो थोड़ा सा जैसे इसका पैटर्न बनता जा रहा है एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि करेक्ट फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स कि हमारे इंडिया में एटीएम रिलेटिव कैश विड्रॉल रेशियो हैज बीन इंक्रीजिंग स्टेडली, सो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की, चाहे वो कोई भी पेपर हो, चाहे यूपीएससी हो या बाकी के मेंस एग्जाम हो, जी हाँ इसमें एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनता है, जरूर जरूर डेफिनेटली बनता है। GS3 हो सकता है 2019 में आपको देखने को मिल ही चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आरबीआई ने रिपोर्ट निकाली है तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और अगर दोस्तों आप आरबीआई की ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको आरबीआई का कुछ भी मिल जाए उसको बाय हार्ट याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों हर बार की तरह हमारी सारी पीडीएफ आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, अब आपने बस हमारे यूट्यूब की वीडियो को एक तो लाइक करना है, जो मैंने आपसे एक एनालिसिस करने को कहा है आप उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे यहाँ कोई पेड कंसेप्ट नहीं है, कोई पेन ड्राइव कोर्सेज नहीं है। मोर ओवर दोस्तों आपको हम अब हमारे एक फेसबुक पेज पे जाना है, उस पे लाइक करना है और आपको वहां भी अपना जो भी आप एनालिसिस करते हैं उसको कमेंट करना है। देखिए दोस्तों जितनी ज्यादा जगहों पे आप अपना कमेंट, अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको पेस्ट कीजिए, अगर मैटर से रिलेटेड ना भी हो तो भी आपने अगर कहीं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है तो उसको यूट्यूब या फेसबुक पे उसको कमेंट कीजिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रिव्यू दे पाएंगे, या फिर वो लोग अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएंगे। ये एक ऐसा एग्जाम बन गया है, 2019 के यूपीएससी के बाद आपने देख ही लिया होगा, ये ऐसा एग्जाम बन गया है कि बिल्कुल एनालिसिस पे ये पेपर अब चल रहा है। आपने जैसे मैंने हमारे अपने ऑफलाइन चैनल में भी देखा कि बच्चों ने बिल्कुल बुक्स की बुक्स याद करी थी, लेकिन उसमें से बुक्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। स्टैटिक अगर आप पार्ट देखें तो स्टैटिक भी एनालिसिस वाला स्टैटिक आया है इसमें। जितने मॉक टेस्ट थे उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम एक भी मॉक टेस्ट नहीं आया,
मान लीजिए अगर आप 2500 क्वेश्चंस करके गए थे कि इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2500 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्या आया? यूपीएससी ने पूछा बिल्कुल एनालिटिक्स पॉइंट से, पूछा बिल्कुल एनालिटिकल कि एग्रीकल्चरल सॉइल से कौन कौन सी गैस निकलती है। इट्स कंप्लीटली एनालिसिस, आपको कहीं किसी बुक में ये चीज नहीं मिलेगी। सो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप यूट्यूब पे इतना आपको मैटर है और नॉलेज मीडिया बिल्कुल फाइनली प्रोफेशनली वर्क कर रहा है, जिसका फायदा उठाइए और जितना टाइम सेव कर सके उतना टाइम सेव कीजिए। अगर आप कोई चैनल पे वीडियो देख रहे हैं जो अपने पेन ड्राइव कोर्सेज प्रमोट कर रहे हैं, तो दोस्तों उस सब में सिर्फ टाइम आप ही का वेस्ट होना है, क्योंकि आपको भी पता है आप वो पेन ड्राइव कोर्स लेने नहीं जा रहे। सो बस सब जगह से नॉलेज गैदर करते रहिए और एक कहीं पे भी किसी भी जगह पे रिस्ट्रिक्ट मत होइए। अपने जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अपना जो भी एनालिसिस है, उसको बढ़ाते रहिए और कमेंट करते रहिए, लोगों से जुड़ते रहिए। सो गाइस प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा एंड डू गिव मी योर कमेंट्स अबाउट जो एटीएम वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर बार की तरह हैव अ नाइस डे।